हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों इंडसइंड बैंक का वीडियो मैं लेके आ गया हूँ फिर से आपके पास, और इसके अंदर आप देखोगे तो 4.12% का फिर से इसने जबरदस्त जबरदस्त मैं बोलूंगा बहुत ही जबरदस्त इसने तेजी दिखाई है, रैली दिखाई है। दोस्तों लगातार ये इंडसइंड बैंक मैं पिछले 5-6 दिन से देखता हूँ, इस स्टॉक ने क्या जबरदस्त रैली दिखाने जा रही है। दोस्तों शुरू की बात करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर पी रेशियो की बात कर लेते हैं, वो है 6.39, जिसकी वजह से साफ साफ दिख रहा है कि ये स्टॉक काफी अंडरवैल्यूड है, काफी कम प्राइस में अपन को ये स्टॉक मिल रहा है। जो इसका 52 वीक हाई की बात करूं तो वो है 1672, जो कि काफी हाई है, आज की प्राइस से 4 टाइम्स है, आज की प्राइस से 4 टाइम्स है दोस्तों, लगभग 4 टाइम्स है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, ये बैंक है, ये डिविडेंड भी देती है 1.83 का, जो काफी अच्छा है। और उसके बाद में अगर अपन इसकी प्रीवियस क्लोजिंग देखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट, प्रीवियस क्लोजिंग से 393.65 थी, 393.65 जो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी दोस्तों, आज इसने जो इसने ओपनिंग की वो उससे काफी हाई पे ओपनिंग की दोस्तों, 402.65 यहाँ पे इसने ओपनिंग की दोस्तों, यहाँ पे इसने ओपनिंग दिखाई। और अपन बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग का जो मेन रीजन जो यहाँ पे ओपनिंग का था वो था दोस्तों की जो प्री बिडिंग सेल थी, उसके अंदर काफी अच्छा खासा माल उठाया गया, काफी अच्छी रेट पे उठाया गया। उसके बाद में फिर से मार्केट ने अच्छा खासा बूम दिखाया, और अच्छा खासा बूम दिखाते हुए जो शुरू में बूम दिखाया था मार्केट उसी के इर्द गिर्द चलता रहा, लास्ट तक इर्द गिर्द चलता रहा। एक बार काफी ऊपर चला गया था 415 के अराउंड इसने हाई बनाया, उसके बाद में नीचे ऊपर, और लास्ट में जो इंट्राडे वालों ने सेल किया तो स्टॉक वापस से 409.85 पे। ये आज के दिन में अगर इसका मोटा मोटा देखें तो 393 से लेके इसने 409 तक का इसने सफर किया, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। पिछले अगर अपन बात करें, पिछले 5-6 डे की बात करें, पिछले वीक की बात करें, तो इसने काफी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया है, अराउंड 20% के अराउंड इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है दोस्तों। मैंने पहले भी बोला था अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि अगर अपन बात करें इसके 6 मंथ के चार्ट की, इसके 6 मंथ के चार्ट की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि जो स्टॉक कभी 6 मंथ के अंदर ही देखें तो 1400 के अराउंड था, जो स्टॉक 1400 के अराउंड था वो स्टॉक आज आपको इतनी कम रेट में, इतना बढ़ने के बाद भी इतनी कम रेट में मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों स्पेकुलेशन थे, पब्लिक का फियर था, पेंडेमिक था, सारी चीजों की वजह से स्टॉक काफी नीचे आ गया, क्योंकि इसके अंदर जो पब्लिक की हिस्सेदारी है वो है बहुत ज्यादा, और जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत कम है। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि कई प्रमोटर्स इसके अंदर नए जुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, और काफी अच्छा ग्रो करने की फ्यूचर में भी इसमें उम्मीद है दोस्तों, और पूरा पूरा चांस है कि ये काफी अच्छा ग्रोथ करेगा, दिखाएगा, और अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं करेगा दोस्तों। मैंने बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर है वो कमेंट में लिखते थे कि सर 390 पे खरीद लिया, 400 भी दोस्तों मैं उनको बोलता था, लोगों ने इसको 600-700 पे भी खरीद रखा है, तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये 5-7 दिन में इसको कवर कर लेगा, कवर अप कर लेगा। और आज वही लोग मेरे को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आप सही थे, आपने सही बोला था कि इसका एनालिसिस सही किया था। दोस्तों ये कोरोना वायरस पेंडेमिक कभी लॉन्ग लास्टिंग और पूरी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन मैं आपको इसी आज के चार्ट में एक खास बात बताना चाहूंगा, आज के चार्ट में भी एक खास बात बताना चाहूंगा दोस्तों की जो पब्लिक है वो आज भी इसका स्टॉक नहीं ले रही है। वो कैसे पता चला, क्योंकि जो जितने भी बैंकिंग के स्टॉक है उनमें आज भी पब्लिक इतने स्टॉक बाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको थोड़ा सा फियर है। जैसे ही पब्लिक एंट्री होगी, अभी DII, FII और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो ही इसके अंदर आगे का सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी बल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, और जो पब्लिक है जो सोचती रहती है वो रिसर्च कर रही है अभी इसके ऊपर, और जब वो अगर इन्वेस्ट करेगी दोस्तों तो ये आपको 600-700 तक भी आपको ये नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ये था इसके ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आगे अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है, काफी अच्छी एनालिसिस करने का मन करता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आपके लिए कंप्लीट इसका आज का चार्ट का एनालिसिस।